तो आज का जो व्लॉग है ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ, वैसे आज नवरात्रि का लास्ट डे है तो आपको कन्या पूजन एंड ऑल जो भी सारी चीजें वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड इसके पहले का जो व्लॉग था वो मैंने फर्स्ट डे का आपके साथ शेयर किया था, तो आज मैंने सोचा कि चलो आज जो वैसे मम्मी कन्या पूजन भी करने वाली है तो मैंने कहा कि सब कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे काफी जगह पे ना अष्टमी को ही कन्या पूजन हो जाता है, बट मेरे यहाँ नवमी को हो रहा है और अभी मम्मी किचन में सब कुछ बना रही। मैं जस्ट सो कर उठी तो फिर मैंने कहा कि नहीं आज का व्लॉग तो बनाना जरूरी है, आज नहीं बनाया तो फिर यार क्या ही दिखाया आपको। तो चलो अभी मैं जा रही हूँ तो चाय वाय पीऊंगी, इसके बाद नहाना भी है क्योंकि पूजा करनी है तो सबसे पहले नहाना जरूरी है। तो पहले आपको चलो दिखा देती हूँ कि किचन में क्या कुछ हो रहा है एंड उसके बाद चाय पीऊंगी, देन नहाएंगे, फिर आगे सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अभी बोल के बता दूंगी तो फिर क्या ही रह जाएगा। तो चलो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो तो हमारे यहाँ नवरात्रि के लास्ट में ना ये वाली भी पूजा होती है, काफी जगह पे होती होगी। तो यहाँ पे देखो कलश रखा है और ये है माता रानी, इस तरीके से बना के हम लोग पूजा करते हैं और ये देख के आप समझ जाओगे ऐसे बनाया जाता है। और अभी देखो किचन में सब कुछ बन रहा है, यहाँ पे पूड़ी बन रही है और मेरी चाय बन गई है। तो आज बनेंगे क्या क्या बनेगा, पूड़ी, हलवा और चना ना। तो चलो आगे अभी सब कुछ दिखाऊंगी जब सारी कन्या लोग आ जाएंगी तो जो पूजा होगी वो सब कुछ। और ये अभी देखो यहाँ पे किचन में। एंड गाइस बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा है और यहाँ पे ये बैठ के देखो कुछ तो कर रही है। ये हमेशा मेरे से क्या शिकायत करती है कि मैं इसको किसी व्लॉग में नहीं लाती, ये आती नहीं है इसलिए नहीं लाती। अभी मैं इसको ला रही हूँ व्लॉग में तो देखो कैसे मुंह लटका के बैठी है। अरे व्लॉग में ला रही हूँ, हाय बोलो, हाय हाय। चलो फिर अभी सब कुछ दिखाएंगे, वैसे देख सकते हो आप। सो गाइस मैं नहा ली हूँ और रेडी भी हो गई, आप सब देख सकते हो। तो बहुत ही नॉर्मल सा मैंने अपना लुक रखा है और मैंने इयररिंग डाली क्योंकि काफी टाइम से ना मैं इयररिंग नहीं पहन रही थी तो मेरा बहुत मन हो रहा था। तो चलो अभी जा रही हूँ किचन में क्योंकि अभी पूड़ी, हलवा, चना वो सब कुछ ना अभी बनाना है, अभी बन रहा है तो वो सब कुछ आपको दिखाती हूँ। एंड फिर अब मैं डायरेक्ट आपको कन्या पूजन में, सारी लड़कियां आना स्टार्ट हो गई हैं तो वो जो कन्या लोग हैं वो आना स्टार्ट हो गई हैं, तो चलो वो सब आपको दिखाती हूँ एंड लेट भी हो रहा है। तो यहाँ पे बन रहा है हलवा, आप देख सकते हो। तो इसको मैं बना रही थी और हलवे के बाद यहाँ पे बन रहा है चना। तो ये प्रसाद में ना आज यही सब देते हैं, हलवा, चना और देखो पूड़ियाँ भी तली जा रही हैं। तो ये सारे प्रसाद हम देंगे सारी कन्याओं को एंड बस सारा काम ओवर हो गया है। और चलो अभी स्टार्टिंग देखो होने जा रही है, यहाँ पे मम्मी सारी कन्याओं को एक साथ बैठा के पैर धुलवा रही हैं। ये करना होता है ना, मतलब उनके पैर धुलवा के फिर अच्छे से पोछ लो एंड फिर यहाँ पर सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। एंड यार मैं वैसे बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा शोर हो रहा था ना, इस वजह से मैंने वो एडिट कर दिया और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही थी। और उस टाइम पे अगर मैं व्लॉग करती ना, मतलब ऐसे बोल के, तो वो कुछ भी आप सुन भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। इतने जहाँ पे इतने सारे छोटे बच्चे आ जाएंगे तो आप समझ ही रहे हो शोर तो बहुत ज़्यादा होगा। एंड काफ़ी सब क्यूट लग रहे थे यार, सब अच्छे से रेडी होके आए थे। एंड यहाँ पर मुझे कुछ के तो नाम पता नहीं है, कुछ के पता है अनाया है, परी है और यार सोना है, काफ़ी लोग हैं। और देखो यहाँ पे मम्मी पैर वॉश करा रही है, नंदनी सबके पैर में आलता लगा रही है। तो यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है और यार मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या बोलूँ क्योंकि इतना लंबा स्टेप चलेगा ना। एंड यहाँ पे मम्मी सबके सर पे चुनरी रख रही हैं, ये जितनी भी नौ कन्याएं हैं। एंड इसके बाद एक यहाँ पे साथ में जिसको लंगूर भी बोलते हैं ना, वो है एक लड़का बैठाते हैं नौ कन्याओं के साथ। तो देखो यहाँ पे मम्मी सबको टीका लगा रही हैं और अच्छे से ये सारे स्टेप्स करने के बाद अब हम इनको प्रसाद देंगे। और बच्चों की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब वो अपनी जगह पर शांति से बैठ भी नहीं पा रहे, अक्सर ऐसा होता है। और जो लोग कन्या पूजन करते होंगे ना उनको पता होगा कि ये छोटे छोटे बच्चे ना मतलब अपने में ही मस्त रहते हैं यार। और किस किस को अपना बचपन याद आ रहा है कि लाइक हम भी जब छोटे थे तो ऐसे जाते थे कन्या पूजन में। और देखो मैं बस यहाँ पे कैमरा लेके इधर उधर दिखा रही हूँ सबको, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और यहाँ पे मम्मी आरती कर रही थी सबकी, तो टीका करने के बाद आरती हुई, फिर इसके बाद सबको यहाँ पे प्रसाद दिया जा रहा है। तो मम्मी यहाँ पे पूड़ियाँ रख रही हैं और मैं साथ में सबको चने और हलवा रख रही थी। एंड
तैयारी है इन सबसे आशीर्वाद लेने की। तो देखो सब कितने प्यार से मम्मी के सर पे हाथ रख रही है और मम्मी यहाँ पे सबका पैर छू के सबसे आशीर्वाद ले रही हैं एंड एक एक करके सब। और देखो कुछ लोग तो अपना खाना वाना छोड़ के वेट कर रहे हैं कि मेरे पास भी आए और मैं भी हाथ रख के अच्छे से आशीर्वाद दूँ। कितना क्यूट लगता है। और ये देखो मैं इसको बैठी थी, लेकिन मैंने भी बताया ना जो एक लड़का साथ में रहता है ये है डुग्गू, इसका नाम डुग्गू है। बहुत बदमाश है बट बहुत क्यूट भी है। तो इसको मैं अपने पास लेके बैठी थी और देखो अभी मैं इसको बोल रही हूँ कि सर पे हाथ रखो, बट ये मेरी तरफ कैमरे में ही देख रहा है। तो अभी मैंने इसका हाथ रखवा दिया, अच्छा हो गया यार, स्माइल नहीं किया ये एक बार भी। तो यहाँ पे देखो सब आराम से अपना अपना खाना खा रहे हैं, जो भी प्रसाद है वो सब कुछ हो रहा है। मम्मी सबको गिफ्ट दे रही हैं, लाइक मैंने सबके लिए हेयर क्लिप्स, हेयर बैंड ये सब कुछ लिया हुआ था, तो वो मैं मम्मी को दी, तो वो एक एक करके सबको पहना रही हैं। तो बस ये सारी चीज़ें हो गई हैं एंड यार मैं सच बता रही हूँ, मुझे ना ऐसा लग रहा है अभी कि मैं क्या ही बोलूँ इस व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग है, मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए थी। अच्छा हाँ, यहाँ पे पापा देखो सबको बता रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे करो, और पापा मम्मी आ गए हैं फोटो क्लिक कराने के लिए। तो यहाँ पे अब सब लोग पूजा हो गई है और सब अपने अपने घर जा रहे हैं। तो चलो मैं इन सबको छोड़ दे रही हूँ, पहुँचा दे रही। ये देखो कन्या पूजन हो गया है और अभी होने जा रहा है हवन। तो अभी हवन के बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि काफी लेट भी हो गया है, सुबह 8 बजे से लगे हैं और अभी 12 बजने जा रहे हैं। तो चलो फटाफट से हवन कर लेते हैं, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नय स्वाहा, ओम तो सारी कन्याओं को खिलाने के बाद लास्ट में हम 4-5 बज गए थे। तो हम लोग साथ में बैठ के खा रहे हैं और वो लास्ट में ना भाभी है। सो गाइस खाना पीना हो गया और पूजा भी अच्छे से हो गई, कन्या पूजन भी हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इस ब्लॉग को यहीं पेंट कर देती हूँ और आज शाम को ही मैं इसको एडिट करके अपलोड भी कर दूंगी, क्योंकि आज ही के दिन सब कुछ हुआ है और आज रामनवमी भी है। तो आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी रामनवमी एंड नवरात्रि का भी आज लास्ट डे है। तो चलो मैं इस ब्लॉग को आज शाम तक, अभी 1 बज रहे हैं तो 4-5 बजे तक मैं इसको अपलोड कर दूंगी और जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। मे बी वो कोई व्लॉग ना हो, कोई वीडियो हो, बट जो भी होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।